और रायपुर में कई नगर निगम मंडल के पदाधिकारियों ने पदभार ग्रहण किया और इस कार्यक्रम में मंत्रियों को बुलाया गया था। कुलदीप जुनेजा ने हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड का कार्यभार ग्रहण किया। वह स्कूटी से नया रायपुर अपने दफ्तर गए और कुलदीप जुनेजा से बात की संवाददाता रुपेश गुप्ता ने। रायपुर के विधायक कुलदीप जुनेजा ने हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया है। हमारे साथ कुलदीप जुनेजा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप स्कूटी से यहाँ पहुंचे हैं तो इसको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि आप विधानसभा भी जाते थे लेकिन संभव नहीं कि रोज यहाँ पे स्कूटी से पहुंच पाए। संभव नहीं है स्कूटर से, लेकिन मैं पहली बार विधायक बना तब भी स्कूटर से विधानसभा गया था, दूसरी बार बना तब भी स्कूटर से गया था। और किस लकी स्कूटर है क्या? स्कूटर भी नहीं है मेरे पर, मेरी पहचान स्कूटर से, मैं शहर में स्कूटर में घूमता हूँ अभी भी। और आज यहाँ आना था पहली बार, तो आज मैं और मेरी वाइफ दोनों स्कूटर में यहाँ पर आए हैं आज पदभार ग्रहण करने के लिए। तो अच्छा है, जैसा शुरू से आदत है जिसमें घूमते हैं वो अच्छा लगता है इस नॉर्मल। अच्छा, एक और चीज कि आपने ये भी इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि यहाँ पे काजू किशमिश कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं रहेगा, चना और मुर्रा रहेगा, तो छत्तीसगढ़ी पना है या कुछ और भी सोच है कि मितव्ययिता? मितव्ययिता है, जब एसपी का पैसा खराब होता है हम 10,000 का काजू किशमिश ला के रख देते हैं, कोई खाता नहीं है, एक पीस भी उठाता नहीं है, है ना। तो मितव्ययिता को रोकने के लिए, फालतू के खर्चे रोकने के लिए मेरे हिसाब से मैंने कहा है कि काजू किशमिश और ये ड्राई फ्रूट ये सब मत रखो, चना मुर्रा रखा करो। और मैंने बुकों के लिए भी मना किया है, फूल माला के लिए मना किया है। यहाँ पर तो मेरे जितने आप देखेंगे स्टाफ अधिकारी कोई भी बुके नहीं दिया है, सबको इंस्ट्रक्शन था कि कोई बुके नहीं देगा। उनको यह है कि मेरे को जो भी देना है कापी दे दिया करो, 50 कापी दो, 100 कापी दो। तो ये कापियाँ कम से कम गरीब बच्चों के बांटने काम आती है। गरीब अभी मेरे पास ये जब से बनो मेरे पास 2,000 कापी इकट्ठा हो गई है, 2,000 कापियां भी आ गई है, और ये कापियां मैं आगे चल के गरीब बच्चों को जहां बांटना हो बांटूंगा। अच्छा, इसके अलावा कि आप एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जिस बोर्ड की आप जिम्मेदारी संभाल रहे हैं वो ऑलरेडी क्राइसिस से गुजर रहा है, क्या प्लान है, कैसे इसको क्राइसिस से निकालेंगे? देखिए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उनके मंत्री उनके अध्यक्ष रहे, उनके 15 साल में उन्होंने इसको उबारने की जगह डुबाने की कोशिश ज्यादा की और डुबाई है। अब हमारे को मौका, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मौका मिला है, छोटे से कार्यकर्ताओं को यहाँ बैठाया उन्होंने, तो मेरा प्रयास रहेगा सबसे पहला कि जो गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उनको हाउसिंग बोर्ड से बहुत उम्मीद रहती है, उनको जो छत दिलाने का काम ज्यादातर हाउसिंग बोर्ड ही करता है, तो मेरा प्रयास प्राथमिकता ये रहेगी कि प्रयास रहेगा कि सबसे पहले उनको एक छत मिले, अच्छी छत मिले और उचित मूल्य पर उनको अच्छी छत मिलना मेरा प्रयास रहेगा। अच्छा, इसके अलावा विभाग में बहुत सारे अधिकारी हैं जिनकी कारनामों को लेकर के कई सालों से हमने देखा है कि छपता रहा है लेकिन बहुत सारे सबूत होने के बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं हुई, गाज नहीं गई। ये सब अधिकारी के किसके खिलाफ क्या है, किसने क्या किया, इसके बारे में अभी मैं बैठा हूँ, मुझे जानकारी भी नहीं है, मेरे को उससे मतलब नहीं रहेगा पहले उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। अभी मेरे कार्यकाल में अगर वो गड़बड़ करते हैं या कोई भी गलत काम करते हैं तो उसकी उनको वो मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे कुलदीप जुनेजा, हाउसिंग बोर्ड के नए अध्यक्ष। उन्होंने कहा, हाउसिंग बोर्ड के नए अध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि अब एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि पहले क्या कुछ हुआ उससे मतलब नहीं है, लेकिन अब कोई गड़बड़ करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा और अब परफॉर्मेंस के आधार पर अधिकारियों को सम्मान दिया जाएगा, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा और उसी के आधार पर पनिशमेंट भी होगा। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ नया रायपुर से रुपेश।